रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अभी तक हमने शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस की है और उनकी कुछ कॉम्बिनेशन भी हमने किए हैं। आज हम कोमल स्वर के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। यहां तक, ये पूरी सप्तक, मध्य सप्तक शुद्ध स्वर की है। अब ये सा और रे के बीच में ये इंटरवीनिंग जो स्वर है, ये कोमल रे। इसी तरह से रे और गा शुद्ध, इनके बीच में कोमल गा, इंटरवीनिंग जो स्वर है, बीच का हाफ नोट। मा शुद्ध और तीव्र मा, पा और धा शुद्ध के बीच में, धा कोमल, धा और नी शुद्ध, इनके बीच में इंटरवीनिंग स्वर जो है वो नी कोमल। अब मैं आपको थोड़ा सा बांसुरी बजा के आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये सारे सारे गामा पाधा नी सा शुद्ध स्वर। अब देखिए सा और रे के बीच में कोमल, सा और रे के बीच में कोमल रे, कोमल रे। देखिए दोबारा, रे शुद्ध कोमल रे सा। इसी तरह से गा गा रे और गा के बीच में शुद्ध कोम, शुद्ध कोमल गा। अब डिफरेंस देखिए मां और मां शुद्ध का और तीव्र का। पहले तीव्र मां, उसके बाद शुद्ध मां। अब पा और धा शुद्ध के बीच में कोमल धा। शुद्ध के बीच में कोमल नी, कोमल नी हाफ नोट। इस प्रकार सारे कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 12 स्वर हो गए। अब मैं आपको ये पूरे एक बारी में बजा के आपको दिखाऊंगा, तो आपको और समझ आएगा। सा कोमल रे, शुद्ध रे, गाश कोमल, शुद्ध गा,